जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेली शाम के टाइम्स 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हर गरीब जो भी बेचारे जो दिन दिहाड़ी यहाँ पर सर्विस करते हैं, जिनको अभी तक खाने में खाने की हमेशा हर वक्त प्रॉब्लम रहती है 2 वक्त की रोटी का, और इस सहयोग में हमारे शशि शंकर तिवारी जी दिन रात लगे हुए हैं। ये अकेले विकास नगर में ही नहीं, ये हमेशा हमारे चंडीगढ़ के ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर इन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया। और यहां पर हम देखे जा रहे हैं कि ये हमेशा रोटी चावल, और आज हम देख रहे हैं कि यहां पर चावल और दाल का कड़ी और रोटी है, और हर जो भी मुमकिन जहाँ तक होता है साथ के साथ इन्हें हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। इन्हें यहाँ पर इनके साथ साथ अकेले इनके साथ यहाँ पर संस्थाएं भी इनका योगदान देती है, और साथ में जो कांग्रेस कमेटी के उच्च पदे अधिकारी हैं जो इनका हमेशा मनोबल और सहयोग बांटते रहते हैं। राजकुमार, आप यहाँ विकास नगर में ही रहते हैं, तो क्या हस्बैंड क्या करते हैं आपके? दिहाड़ी का काम करते हैं। तो ये खाना कब से आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, तो किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है आपको? मैंने आपको प्रॉपर यहाँ से खाना मिल रहा, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही है? अच्छा, आपका जी क्या नाम है? शकुंतला नाम है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अच्छा, आप काम करते हैं, आप फैमिली भी आप पे ही? अच्छा, आप रिक्शा चलाते हो, तो ई रिक्शा चलाते हो, बैटरी वाला। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था आपको ठीक लगी, कब से खाना मिल रहा है यहाँ पर? खाना चलो, जो अधिकतर जो डेली वेज है ई रिक्शा वाले हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो हो रहा है, पर गवर्नमेंट की तरफ एक अमाउंट कोई नहीं हो रहा है। इन संस्थाओं के वजह से जो मिल रहा है उससे अभी चल रहा है। अच्छा भूरज, ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। तो अभी आपके इस टाइम में सभी चीज़ें बंद पड़ी हुई है, कोई और नहीं है? घर में फैमिली कितनी आपके? फैमिली कितने? 5 जने। 5 जने हो, आपका सारा आपके ऊपर ही निर्भर है फैमिली का। तो ये कब आपको कब से आना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर? 2-3 महीने। अच्छा जी, तो नहीं, ये 24 तारीख से कर रहे हैं, तो आप रेगुलर? अच्छा जी, पहले भी आपके आप पहले भी मदद करते थे, तो इस लॉकडाउन के उसमें आपको प्रॉपर यहाँ से खाना वितरण हो रहा है, आपको यहाँ से शाम के टाइम हमेशा कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाना मिल जाता है? अच्छा जी, तो इसके आपके साथ साथ आस पड़ोस में भी सभी यहाँ पर आते हैं? हाँ जी, तो किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, हमेशा खाना यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है आपको? हाँ जी, हमारे पड़ोसी भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। अच्छा जी, हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 24 के जनरल सेक्रेटरी शशि शंकर तिवारी जी हमारे साथ में हैं। ये आज हम लोग का ये जो कोरोना वायरस बीमारी के कारण जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, उस कर्फ्यू के अंतर्गत में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके ज़रूरत के लिए आज 18वां दिन सेवा में पूरी यहाँ वार्ड नंबर 24 की कांग्रेस की टीम लगी हुई है, और दिन रात एक करके अपने तरफ से एक अथक प्रयास रहता है कि ज़रूरतमंद तक भोजन पहुँचे और कोई भूखा ना सो सके। ये हमारे इसमें विशेष करके और भी धार्मिक संस्थाएं जुड़ी हुई है जो विशेष इसमें सहयोग कर रही है। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इस आपदा कोरोना के अंतर्गत में कोई हमारा भाई, हमारा कॉलोनी निवासी भूखा ना सो सके। अपने तरफ से अथक प्रयास रहता है कि हर एक घर तक वहाँ भोजन पहुँचे, वहाँ तक राशन भी पहुँचे, और हम लोग पूरी टीम पहुँचा रही है। हम एक जरूरी आप वीडियो बना रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये सेवा भाव है, सेवा भाव के भाव से हम लोग लगे हुए हैं। राजनीतिक बाद में भी कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग इसके अंतर्गत में कुछ पार्टियां राजनीतिक भी कर रही है, उसके मैं इस के माध्यम से घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये आज पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के ऊपर ये विपदा आई हुई है, और इसमें जितनी सेवा भाव से हम काम कर लें उतना ही कम है। तो हमारा निरंतर यह 18वां दिन आज सेवा आपके सामने जारी है, और रोज़ प्रतिदिन कम से कम 1500 से लेकर 2000 के व्यक्ति यहाँ पर भोजन करते हैं। ये कोई हम लोग इस फल से में वो नहीं करते,
कि भोजन कराएं 1500 का, और उसमें आप कहें कि नहीं जी हम तो 15000 का करा रहे हैं जो एग्जैक्ट है, और वहाँ वहाँ पे हम लोग भोजन पहुँचाते हैं जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत हो। DMCH 32 PGI मलोया आपके ये जंगलों के अंदर में रेलवे के वहाँ भी 100-150 परिवार बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे जगह। और अभी आपके सामने विकास नगर मौली जगरा वार्ड नंबर 24 में ये निरंतर सेवा चल रही है, और जब तक भगवान शक्ति देंगे और जब तक आपदा कर्फ्यू ये नहीं हटेगा पूरा प्रयास रहेगा कि सेवा निरंतर जारी रहे। अच्छा तिवारी जी, आपसे एक और कि ये आपने लगभग शायद लॉकडाउन होने के बाद ही शाम से आपने ये सभी शुरू कर दिया आपने, तो इसमें क्या आपके, जैसे आप कांग्रेस से हैं तो क्या कांग्रेस के बड़े अधिकारी भी इसमें हैं जो आपको सहयोग दे रहे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप छाबड़ा जी, उन्होंने पहले प्रशासन को ऐलान कर दिया कि अगर प्रशासन को हमारी कांग्रेस भवन की ज़रूरत हो किसी की ठहरने की तो हम कांग्रेस भवन की ताला चाबी देने को तैयार हैं। स्टेटमेंट सारी समाचार पत्रों में भी लगा, और कांग्रेस भवन से रोज़ कम से कम 2500 से 3000 व्यक्तियों का भोजन बनकर, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं वो प्रॉपर टीम बनाकर पूरी चंडीगढ़ में जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी तिवारी जी।